आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। मऊ जिले में उस वक्त धड़कम मच गई जब मध्य प्रदेश की पुलिस ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव जौहरी के भाई को दिन दहाड़े गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश लेकर चली गई। वही कोतवाली पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को लेकर जिले में कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सन 2016 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन और शताब्दी एक्सप्रेस में दो बार लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पहली बार से 10 लाख और दूसरी बार में 4 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में जीआरपी उज्जैन ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति किशन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में पता चला कि लूट का माल दीपक जौहरी को बेचा गया है। हालांकि आरोपी किशन अग्रवाल और बीजेपी नेता का भाई दीपक जौहरी दोनों दोस्त हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस लूट कांड में माल खरीदने वाले बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश लेकर चली गई। इस मामले में जीआरपी उज्जैन के इंस्पेक्टर ने बताया कि सन 2016 में साबरमती और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में लूट हुई थी, जिसमें 10 लाख और 4 लाख की दो बार लूट हुई थी। इसमें किशन नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसने बताया कि मऊ जिले में बीजेपी नेता के भाई दीपक जौहरी को लूट का माल बेचा है। इस मामले में हमने कोतवाली पुलिस की मदद से दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी एक दूसरे के मित्र हैं। धारा 379 में एक आरोपी पकड़ा गया था किशन अग्रवाल, उसमें अपराध क्रमांक 200/16 और 121/16 में 10 लाख और 4 लाख का माल दीपक और दीपू जौहरी को बेचने बताया था। उसके आधार पर गिरफ्तार किया। ये ट्रेन में चोरी हुई। सर कौन सी ट्रेन है वो? ये ट्रेन है एक साबरमती एक्सप्रेस है, ये वाराणसी एक्सप्रेस। सर ये घटना 2016 की है।